और इसके छाल के भी कुछ औषधीय गुण हैं, इसके पत्तियों के भी औषधीय गुण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका फल आप देख सकते हैं कि लगभग लोबिया की तरह होता है, कैंसर संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन गुप्ता सुल्तानपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम आपको मोरिंगा ओलिफेरा, जिसे सहजन बोलते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा के औषधीय गुण और इसमें फूल फल कब आते हैं, इसमें फूलों की संख्या को कब आप बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा मतलब आपके जो मोरिंगा ओलिफेरा का पौधा है, मतलब सहजन का जो पौधा है, उसमें फल कम आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उसमें टहनियों की संख्या को बढ़ाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपकी आपको पता होगा कि जो सहजन का फल है, सहजन का जो सब्जी के रूप में ज़्यादातर इसे प्रयोग करते हैं, यह मार्केट में फरवरी मार्च तक आना स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल मई तक यह मार्केट में बना रहता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कुछ जैसे बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए इस फल का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। किसान भाई, जैसा कि आप बगल में हमारे देख पा रहे होंगे, यह सहजन का पेड़ है, सहजन का पेड़, और आप देख पा रहे होंगे कि जो इसके टहनियां हैं काफ़ी अधिक मात्रा में आई हुई हैं, मतलब इसके जो पौधे हैं, जब इसमें हम फल ले लेंगे तो हर एक टहनियों को ऊपर से काट देंगे, जिससे इसमें टहनियों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। जब टहनियों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसमें अधिक मात्रा में अगली बार फूल और फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। किसान भाई, तो इसमें जो फूल आने का समय होता है वह जनवरी या फिर फरवरी मंथ में आना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें फलियां जो हैं मार्च अप्रैल तक बनने लगती हैं, और इसमें फलियों को हम दिखाएं तो हरे कलर का फलियां होती हैं और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत रहती है। जब ये मतलब ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ रहता है तो इसे ज़्यादा खाने के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और जब पूर्णतः फल इसके मैच्योर हो जाते हैं तो इसके औषधीय गुण होते हैं, इसके बीजों के कुछ औषधीय गुण हैं और इसके छाल के भी कुछ औषधीय गुण हैं, इसके पत्तियों के भी औषधीय गुण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसके फल को हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसका फल दिखता है। किसान भाइयों, तो इसके हम फूल और फलियों को दिखाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो फलियाँ हैं वो सफ़ेद कलर की होती हैं और ये फलियाँ ही फल में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका फल आप देख सकते हैं कि लगभग लोबिया की तरह होता है, और इसको ज़्यादातर पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए ज़्यादातर किसान लोग इसे यूज़ करते हैं, और गर्मियों के दिनों में जब लूह चलता है तो लूह से बचने के लिए इस फल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। किसान भाई, इसका फल देखिए लोबिया की तरह लंबा होता है और ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसे ही ज़्यादातर किसान लोग सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में। तो इसका औषधीय गुण, जब फसल पूर्णतः मैच्योर हो जाता है तो इसके बीज को निकालकर हम इसे सुखा लेते हैं, तो उस बीज के अद्भुत औषधीय गुण हैं। तो अब हम आपको उसके औषधीय गुण के बारे में बताते हैं। ये जो फूल हैं, फूल के अद्भुत औषधीय गुण हैं, जैसे कैंसर संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, जो भी मनुष्य कैंसर से पीड़ित हैं तो इसके फूल के सेवन से वो कैंसर बीमारियों से वंचित रह सकते हैं, और इसके जो पत्तियां हैं इसके भी अद्भुत औषधीय गुण हैं। पत्तियों से आप रक्तचाप को सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब एक समुचित रक्तचाप आपके शरीर में बना रहेगा इसके पत्तियों के सेवन से। इसकी पत्तियाँ हर मौसम में उपलब्ध होती हैं, इसमें हर मौसम में इसकी पत्तियाँ पाई जाती हैं, और इसके जो बीज हैं, जब ये फल पूर्णतः मैच्योर हो जाता है और इसके बीज को निकालकर जब हम इसे सुखा देते हैं तो इसके बीज जो हैं वो अल्सर संबंधित, अल्सर एक बीमारी है और उस बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना कि इसमें फूल फल फली कब बनते हैं, पत्तियां कब आती हैं, इसके क्या औषधीय गुण हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ किसान भाई आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद किसान भाई।